बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। भगवान के घर में दिया बत्ती सेवा क्या बात है? काफी दिनों से उसे देखा ही नहीं। अरे कमला, एक बात है, मेरा बेटा बाहर पढ़ने जा रहा है। बाहर? हाँ, वो मद्रास की तरफ कोई कॉलेज है, नाम क्या है मेरा याद नहीं, वही दाखिला लेगा। अच्छा, तो इसलिए बुढ़िया दिया जला रही है, बेटे के नाम से बीमार रख सक्कर हो गया। अच्छा ही हुआ, इसका लड़का गांव का गौरव है। देखना मालती, तुम्हारा लड़का एक दिन तुम्हारा भी नाम रोशन करेगा। भगवान करे वो दिन जल्द आए। आपकी लड़के की तरह इस गांव में और 10 लड़के होते। घर छोड़िए इन बातों को, अब चलिए मेरे घर। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। आपकी बेटा बाहर जा रही है तो सुख काम ही दे दो। तो चलिए 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 चलो। आइए आइए जी। अरे तो आप पहले से ही मौजूद है। अरे बाप रे बाप, बा भाग्य हमारे, जो नहीं आने वाला थी वो भी पधारे। अरे ये तो शहर बन गए। बा भाग्य हमारे, जो नहीं आने वाला थी वो भी पधारे। सच्ची? ये तो शेर बन गया। ये कैसे कहा कि नहीं आने वाला भी पधारे? आड़े मालती की तबीयत खराब थी तो सोचा इसका हम लोगों का साथ मिल जाएगा, और कमल को शुभकामनाएं भी दे दूंगी, इसलिए चली आई। अच्छा किया, जो चले आई। कमल बाहर पढ़ने जा रहा है, सोचा कि मैं भी शुभकामनाएं दे दूं। धन्यवाद, इसी बहाने आप लोगों की दर्शन तो हुई। सिर्फ धन्यवाद से काम चलने वाला नहीं है, बिना मुंह मीठे किए नहीं जाने वाली। जरूर जरूर। वाह, इतनी अच्छी खबर है, मिठाई तो बनता है। मिठाई क्यों, खाना भी खा के जाइए, पहले बैठे तो सही। परंतु तुम कैसे चली आई? कमाल है, मेरे पाँव से चली आई और कैसे। अरे भाग्यवान, मेरे कहने का मतलब था इस दोपहर के समय घर खाली छोड़कर तुम कैसे चली आई, ये ठीक नहीं है। क्यों, घर की देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ हम लोग पत्नियों की है? अब तो आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आप भी घर की देखभाल कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता था, मैना घर आ चुकी होगी, इसलिए तुम्हारा वहाँ रहना जरूरी था। नहीं आई होगी,
आज उसकी कॉलेज में सेल्फ हेल्प के ऊपर एक मीटिंग थी। तब तो तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए था, वो भूखी प्यासी आएगी, तुम रहती तो कुछ खाने के लिए बना देती। तुम्हें क्या हुआ रमेश, तुम क्यों इसकी पीछे पड़ रही हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? इसने मैना के लिए घर पर खाना बना कर आई होगी। पर इन्हें कौन समझे, वो समझते हैं कि सिर्फ उन्हीं का ही सबका फिक्र है। मैं तो बुद्ध हूँ, पूरी जीवन इसके साथ खिस खिस के गुजर गई। हाँ बस बस, आप लोग लड़ना झगड़ना बंद कीजिए, चलिए अंदर आइए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। कमल तुम नहा के मंदिर से हो आओ, आइए आप लोग। आओ रमेश, आओ, आओ। मुझे काफी देर हो चुकी है, मुझे इजाजत दीजिए। एक कप चाय तो पीके जाओ। बस बस, इस समय चाय पिएगा तो गैस बन जाएगी, मुझे गैस्ट्रिक की शिकायत है। हाँ, अभी चाय पीने से गैस होगा, पेट में दर्द होगा, पता नहीं और क्या क्या होने लगेगा। बस मौका मिलना चाहिए। चलिए अंदर, चलिए 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 चलिए, आइए आप लोग, चलिए हम लोग आ रहा है। आओ कमल। हाँ चाचा जी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। हाँ, बड़ा आदमी बनकर लौटना और इस गांव की गौरव बढ़ाना। तुम किसान के बेटे हो, इसलिए मिट्टी का मोल जानती हो। जिस मिट्टी ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उस मिट्टी की लाज रखना, सदा इस मिट्टी का सम्मान करना। जी चाचा जी, मैं जरूर कोशिश करूंगा। भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण करे, मैं चलता हूँ। कमल, माँ ने क्या कहा, नहाकर मंदिर होके आ, मैं भी जरा खेत होके आता हूँ, बैलों को पानी देने का समय हो गया। जी पिताजी। मालती, मैं जरा खेत होके आता हूँ। चाय नहीं पियेंगे? अभी नहीं, पहले बैलों को पानी पिला कर आता हूँ। हाँ ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बाहर, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ठीक है, आती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, और हाँ, और कभी भी जरूरत पड़े तो जरूर बुलाना। कामन सर नहाने गया है। हाँ नहाने गया है। ठीक है, आती हूँ। कल कब जाएगा कमल? सुबह शहर जाने वाली बस है। अच्छा। शाम को रेल पकड़ना है। ठीक है, अभी चलती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, आते रहना। ठीक है ठीक है। अरे इतना भक्ति कहाँ, रुको ना, तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे पहले पकड़ तो। अरे लड़की होकर कोई इतना भागदौड़ करता है क्या? क्यों, कहा लिखा है कि लड़की भागदौड़ नहीं कर सकती? अरे मैंने ऐसा कब कहा कि अभी अभी। अरे मेरा मतलब था लड़की होकर इतना भागदौड़ करना क्या जरूरत है, अगर कुछ हो जाता तो। मेरे साथ अगर तुम हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, और मैं
तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसी बात है क्या? तो फिर मुझे दौड़ा कर थका क्यों दिया? मैंने तो तुम्हें मेरे पीछे पीछे दौड़ने के लिए नहीं कहा था। तुमने मुझे छेड़ा क्यों? इसीलिए ही तो। ठीक है, अगली बार से नहीं छेड़ूंगी। अरे वो देखो तुम्हारे पिताजी। अरे हंस क्यों रही हो? वो देखो कोई भी नहीं। अरे दर्पों कहीं का। चल हट। अरे ओ होने वाला पति परमेश्वर, जरा संभाल के। कमल, हुआ कि नहीं? हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। जल्दी करो बेटा। मेरा गामुसा? हे भगवान, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? कैसे जाऊँ? अरे कहाँ गया? राम राम बलराम भैया, क्या कर रहे हो? अरे आइए आइए कैनी बाबू, बेलों को पानी पिला कर आया हूँ। आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए सुबह से ही खेतों में हल जोता हूँ। बलराम भैया, आप भी एक ही बेल से हल जोतते हो? हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा जो और एक बेल खरीद सकूँ? बेल क्यों खरीदोगे? मैं आपको ट्रैक्टर दूंगा, पावर टिलर। आजकल सरकार ने नाना प्रकार की योजनाएं आरम्भ किया है, उसका लाभ उठाना चाहिए। हम लोगों को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, मैं हूँ ना। और ये सभी योजनाएं सरकार ने गरीब किसानों के लिए है तो बनाया है। आप बस कागजात तैयार कीजिए। कागजात? हाँ कागजात, जैसे आपकी जमीन के कागजात, दलील आदि। ये दलील दाखिल करके बस दो चार दस्तखत या अंगूठे का निशान चाहिए, बस हो गया, मिल गया आपकी ट्रैक्टर। छोड़िए केरानी बाबू, हमारे जैसे गरीब आदमी को कौन ट्रैक्टर देगा? अरे मैंने कहा ना, ये सब गरीब किसानों के लिए तो है। और आप ये क्यों सोचते हैं कि आप किसान हैं तो छोटे हैं? कोई काम छोटा या बड़ा नहीं, काम काम होता है। और दूसरे शब्द में, आप तो महान काम करते हैं, आपके ही कारण भोजन मिलती है, समझ रहे हो आप? आप दलील, वोटर कार्ड, फोटोकॉपी रेडी कीजिए, मैं सुबह आकर ले जाऊंगा। काल रहने दीजिए। क्यों, शुभ काम में देर क्यों? काल कमल पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है, इसीलिए। अच्छी बात है, तब तो आपको पैसे को भी जरूरत पड़ेगी। जरूरत तो पड़ेगी, सब प्रभु की इच्छा, जहाँ तो हो सकेगा कोशिश करूँगा। भगवान उसी की इच्छा पूरी करते हैं जो कोशिश करते हैं, मेहनत करता है। आपकी कोशिश जरूर रंग लाएगी और इसमें सरकार से मदद मिल सकती है। खैर, दो दिन बाद में कागजात ले जाऊंगा। बलराम भैया, आपका बेटा इस गांव का गर्व है, अभी उसे घर में मिलेगा क्या? हाँ है, उसका माँ ने उसको नहा धोकर मंदिर जाने कहा है। ठीक है, तब तो उसे मैं मंदिर में मिल लेता हूँ। ठीक है। बलराम भैया, मैंने जो कहा है याद रखिएगा। अरे एक दिन आप धनी किसान बन जाएंगे। ठीक है ठीक है, कल मिलूंगा। हाँ, मान लो तुम्हारे लिए मंदिर में ईश्वर का आविर्भाव, तुम और भगवान। हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। जिस तरह प्रभु अपने बच्चों को हमेशा देखते रहते हैं, उसी तरह मैं भी तुम्हें देखती रहती हूँ। अच्छा, अब तुम बाहर पढ़ने जा रहे हो तो मुझे इस बात की काफी खुशी है। सच्ची? अब तुम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनोगे तो मुझे भी तो काफी खुशी होगी, मैं भी तो फायदेमंद होंगी, है कि नहीं? मैं क्या जानू,
मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसमें कोई संदेह है तुम्हें? आ, क्या बात कर रही हो, भगवान सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे, अभी चलो। क्यों बुरा मानेंगे? अरे प्यार करना कोई पाप है क्या? और ठीक है ठीक है, अभी चलो। मुझे भी ले चलो ना। कहाँ? जहाँ तुम जा रहे हो। मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, तुम्हें कैसे ले चलो? और 2 साल की ही तो बात है, उसके बाद मैं पढ़ाई खत्म करके वापस आ जाऊंगा। इन 2 सालों में मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? मैं अपना दिल तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। और इसे भी छोड़ जाओगे क्या? हाँ? ये तो मेरा गमुसा है। तुम जब नहा रहे थे, इसका मतलब रानी तुम। अरे सुनो, फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। रुको तो, क्या हुआ मेरे बेटे को? कल सुबह ही बाहर जाना था पढ़ाई करने के लिए, इतना कष्ट करके पैसों का इंतजाम किया था उसका पिता ने, पता नहीं उसको क्या हो गया है। हेरा मालती, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। मत रो मालती, बहुत आदमी है वहाँ उसके देखभाल के लिए। मत रो मालती, धीरज रखो, मत रो। उसने पाँव छूकर मेरा आशीर्वाद लिया था, पर लिखकर हमारा हाथ में भले का मुझे मेरा आदमी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मालती, भगवान से यही दुआ करो कि वो जल्द घर आए, और हम लोगों की दुआएं भी उसके साथ है। मात्र मालती, डॉक्टर ने क्या कहा उससे, क्या हुआ है उसको? ठीक होगा, ठीक होगा, अभी मात्र ठीक होगा, ठीक हो जाएगा। मालती, मुझे मेरा बेटा चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, तुम कमजोर हो जाओगी मालती। मालती, मेरी उम्र भी लग जाए, मेरा बेटा, कमाल, मेरा बेटा, मेरा बेटा। चिंता की कोई बात नहीं है, परंतु परंतु क्या बात है डॉक्टर साहब? डुप्लीकेट पाव लगाने में कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? बहुत पैसे लगेंगे। जितना भी लगे कोई बात नहीं, आप ये बताइए ये ऑपरेशन यहाँ हो सकेगा? कहने बाबू, एक मिनट बताइए डॉक्टर बाबू। इसके लिए आप लोगों को दिल्ली जाना पड़ेगा। ठीक तो हो जाएगा ना? होना तो चाहिए। ठीक है, हम लोग जाने के लिए तैयार है, आप बाकी कार्रवाई पूरी करें। ठीक। देरी रा
चाची चलिए अंदर चलिए। नहीं रानी, मेरा मन कुछ ठीक नहीं है। घर के अंदर एक खुदन सी महसूस होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर भी और तो और आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो दिन ब दिन आपके हालत बिगड़ते जाएंगे, और कमल और साचा जी आकर अगर आपको इस हालत में देखेंगे तो सोचिए तो उनको कितना बुरा लगेगा। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे चाची जी, आपकी तबीयत इतनी खराब है और आप ऐसे बाहर क्यों बैठे हैं? आप डॉक्टर को दिखाते क्यों नहीं? ऐसे ही रहने से बीमार ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे मैना और रेनू दीदी, आप लोग कब आए? अभी आए। वो सब छोड़ो, बस चाची जी की फिक्र सता रही थी। कल माँ ने कही थी कि चाची जी अस्पताल जाने के लिए तैयार होती ही नहीं। मैं रोज रोज कहकर थक गई हूँ, और कितना समझाओ बोलो। अरे मैना, मैं ठीक हूँ, बस कमल की राह देख रही हूँ। कमल के आने से देखना मैं ठीक हो जाऊंगी। चाची जी देखिए, मैं एक बात स्वच्छ रूप से कहना चाहती हूँ कि हम महिलाएं चूल्हे चौके में हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना चाहते। हमें सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। हमारे गांव के मुगा और एड़ी के कीड़ों द्वारा पोलू को बाहर के लोग लेकर कपड़े तैयार करके मुनाफा कमाते हैं। अब ये सब हमें खुद करना होगा। हमें खुद पोलू से सूता निकालकर कपड़े तैयार करने होंगे। पहले हम स्वयं उसका प्रयोग करेंगे और फिर बिक्री। लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए सरकार ने लघु ग्रामीण उद्योग के लिए बहुत तरह की सुविधाएं प्रदान की है। हम उस सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। लेकिन पोलू वाले इन पेड़ों को काटने में अगर कोई बाधा दे तो? सबसे पहले तो हमें ये भय निकाल देना होगा कि कोई हमें बाधा देगा। कहते हैं कि पहले स्वयं आगे तो बढ़ो, लोग आते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा। परंतु यहाँ तो हम लोग अकेले नहीं है, आप सब हमारे साथ है। एक पूरी कारवा तैयार है। और एक दूसरी बात की, आज दिल्ली से कमल आ रहा है, उससे बात करने जाना है। तो आज की मीटिंग यही समाप्त हुई। अरे कमल आया है, कब आया पता ही नहीं चला ना। आज से जाना पड़ेगा। क्या हुआ, क्या आप लोग उसके घर नहीं चलेंगे? 4 महीने बाद इलाज करवा के आज लौटे हैं कमल, एक बार उससे मिलना चाहिए। हरिराम चाचा ने काफी मदद किया है उसको। कमल को तो ये भी नहीं पता कि उसकी माँ गुजर चुकी है। बलराम चाचा की देखभाल के लिए रानी ने भी काफी कष्ट सही है। उससे मिलना आवश्यक है। मैना? हाँ चाचा। तुम अपने सब किए रानी को काम पर नहीं लगा सकती? मैं काम क्यों? आखिर तुम भी हमारे साथ कब तक लगे रहोगी? ठीक है चाचा। रानी, मैना ये तुमसे मिलने आया है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो बातें करनी थी तुमसे। कैसी बातें? यही कि तुम लोग कुछ आत्म सहायक गोष्ठ नाम से एक संस्था बना रही हो इस गांव के महिलाओं के लिए, क्या ये सच है? बस शुरुआत किया है, आपको तो पता ही है अपना गांव पोलू के लिए मशहूर है। बाहर के आदमी आकर एरी मुगा के कीड़े वाले पेड़ काट कर लेके जाते हैं, कपड़े तैयार करके पैसे कमाते हैं।